दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढूमने ज्वेलर्स। राजस्थान के जालौर जिले के सायला ब्लॉक के सुराना गांव की सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की तीसरी कक्षा का 9 वर्षीय दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल भारत के घिनौने जातिवाद की भेंट चढ़ गया। पीने के पानी के मटके को हाथ लगाने को लेकर शिक्षक द्वारा की गई पिटाई से घायल हुए इस मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश है। इसके तहत नागपुर के संविधान चौक में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी नागपुर द्वारा पार्टी प्रमुख जोगेंद्र कवाड़े के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं द्वारा तीव्र निषेध आंदोलन किया गया। इस वक्त कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखाई दिए और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया गया। राजस्थान में हुए जातीय मानसिकता से हुई मामला जो पूरे देश में चल रहा है, इंद्र मेघवाल 9 साल का जो बच्चा है उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शिक्षक ने घड़े से उसने पानी पिया, इस कारण से उसे मार दिया गया। तो इस संदर्भ में संविधान चौक में जो है आंदोलन चल रहा है, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है, क्या बताएंगे इस घटना के संदर्भ में। ये जो घटना हुई है राजस्थान में, एक अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसी दिन इस लड़के की मृत्यु हुई थी। अब 13 से 15 तारीख तक के हमारे पंत प्रधान जी ने देश भर में अमृत महोत्सव मनाने के लिए कहा था। इस अमृत महोत्सवी वर्ष में आज भी दलितों को मारा जाता है एक क्षुल्लक कारण की वजह से। जो एक बच्चा, 9 साल का बच्चा एक मटके का पानी पीता है, इसलिए उसे अमानुष तरीके से मारकर उसकी हत्या की जाती है। ये इससे और दरंगी क्या हो सकती है। ये तो हमारे देश की जाति व्यवस्था का एक जीवंत उदाहरण है जो राजस्थान में हुआ है। आज जितने भी शैक्षणिक संस्था है वहाँ पर ऐसी घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन राजस्थान में हुई घटना से आज दलितों को ये प्रश्न निर्माण हुआ है कि सही माने में वो 75 वर्ष में आज़ाद उन्हें मिली है या नहीं, बराबरी का अधिकार मिलेगा या नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करने वाली घटना है। ये सिर्फ हम पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये रोष नहीं है, ये देश भर के दलितों में ये रोष है। आज का ये जो धरना आंदोलन है ये पूरे महाराष्ट्र में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, और इसमें हमें मांग कर रहे हैं कि जो दलित विद्यार्थी को जिस शिक्षक ने मारा उसे फांसी की सजा दी जाए, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाए, इंद्र मेहवाल के माता पिता को मुआवजा दिया जाए, और जिस शैक्षणिक संस्था में ये घटना हुई वो संस्था की मान्यता रद्द कर दी जाए। इस प्रकार से हमारी मांगनी है इस आंदोलन द्वारा, ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। बार बार ऐसी जातीयवादी घटनाएं देश में हो रही है, इसके बारे में आप क्या बताओ। इस देश के अंदर जब तक मन से जातिवाद दूर नहीं होता तब तक ये ऐसी घटनाएं होती है। और ये जो हिंदुत्व के लोग हो, जो बड़े लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, ये दलित लोगों पर ऐसा आता है, ये पहली घटना नहीं है। इस देश के अंदर जो हो रहा है, एक छोटे बच्चे को, 8 साल के बच्चे को उसने अगर घड़े से पानी पिया तो वो बच्चों को एकदम जान से मारने तक उनकी हिम्मत होती है और उसकी हत्या हो जाती है। ये कितनी विकृत बुद्धि है इस देश के लोगों की। ये हिंदुत्ववादी लोग जो है, कहने का मतलब जो जातिवादी लोग है, जो आज तक भी वो चीज़ों को भूले नहीं, ये जातिवाद इस देश से ख़त्म ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि उनके दिमागों से वे जातिवाद निकल ही नहीं रहा। अब राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर यही स्थिति चालू है। हमारे देश के अंदर 15 अगस्त का बहुत बड़ा तोहफा हो रहा है, बहुत बड़ा वाह हो रहा है, 13 अगस्त से 15 तारीख तक का उसका जश्न मनाया जा रहा है, और एक तरफ राजस्थान में एक तरफ 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या हो रही है, निर्मम हत्या हो रही है। लेकिन उसके लिए वो राजस्थान सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, ना ही उसको अंडर किया, बल्कि उसको सजा होना ही चाहिए, ऐसे स्कूल को बंद करना चाहिए, और ये जातिवाद करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, ये हमारी इच्छा है, ये दलित लोगों की मांगनी है। क्योंकि ये बार बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। ये जो अत्याचार हो रहा है ये पहली बार नहीं है, ऐसे अनेक हत्याकांड हो गए, कई दलित लोगों को कत्ल किया गया, कई दलित महिलाओं की इज्जत ली गई, ऐसे अनेक प्रकरण देश के अंदर वर्तमान पत्र में रोज हम पढ़ते हैं। ये देश के अंदर मोदी सरकार ने राजस्थान के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरफ ये कार्य हुआ है, जो हत्या हुई है उनको सजा देने के लिए उन्होंने कुछ
अपना केंद्र की तरफ से मदद भेज के उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बाकी घटनाएं जब होती है तो कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी जी या बड़े कांग्रेसी सत्ता में जो बैठे वो नेता टिप्पणी करते हैं, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी घटना हुई तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बड़े दिग्गज नेताओं ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे आजकल जितने भी है केंद्र में बैठे लोग, जितने भी केंद्र में मंत्री लोग है, बड़े बड़े राज्यसभा में काम करने वाले लोग है, इनको ये दलितों के ऊपर इच्छा ही नहीं है, उधर देखने को समय ही नहीं उनके पास क्या हो रहा है देश के अंदर। इतनी बड़ी हत्या होने के बाद एक भी मंत्री वो स्टेट पे नहीं गया और एक भी मंत्री ने जाके उनकी इंक्वायरी नहीं की, ना पुलिस वालों ने उनको इंक्वायरी की, FIR दर्ज करने को भी आगे पीछे देख रहे थे। यहाँ तक की स्थिति है कि बड़े लोग जितने भी है, क्या कह सकते हैं कि उन्हें सपोर्ट कर रहे थे उनकी वो सरकार? एक प्रकार से जातीयवाद को सपोर्ट ही चाहिए, ये खुला खुला दिख रहा है। जातीयवादी से एक बच्चे ने घड़े का पानी पिया, कोई गुनाह नहीं किया, प्यास लगी होगी पानी पिया, और वो उतने से कारण को लेकर वो अगर बच्चे की हत्या करते हैं तो इससे और उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही, तो ये सिद्ध क्या होता है? ये बड़े बड़े नेता लोग, राजनेता लोग सिद्ध क्या कर रहे हैं कि देश में आज भी उनके भी मन में जातीयवाद बैठा है? अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे ही दिन दूसरे वहाँ चले जाते, उनसे मुलाकात लेते। हम रिपब्लिकन पीपल्स रिपब्लिकन पक्ष की तरफ से इस घटना का हम निषेध करते हैं, और अभी नहीं पूरे देश के लोगों ने इसका निषेध करना चाहिए, सब लोगों ने निषेध करना चाहिए। वो बच्चा किसी का नहीं, एक भारत देश का नागरिक बनने वाला है। हो सकता है वो बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता था, बहुत बड़ा अपने देश का युवा लड़का है वो, 8 साल का बच्चा है कि उसका पूरा भविष्य बचा था। ऐसे बच्चे का भविष्य अगर आप उसको पानी पिया करके खत्म करना चाहते हो तो आपकी मानसिकता कितनी है, और आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं एक प्रकार से, उनकी भी मानसिकता क्या है? आज तक कोई इसको देखने तक नहीं गया तो फिर उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, आप ही बताइए। सोचना चाहिए इस विषय में, बिल्कुल ये जातिवादी लोग हैं। अगर जातिवादी लोग नहीं रहते तो वो दलित बच्चों को मारते नहीं, ये ऐसी घटना दूसरे तरफ कभी होती नहीं। किसी दूसरे उच्च वर्णीय को आज तक मैंने नहीं देखा कि पानी पिया तो उसका मर्डर किया गया, उसकी हत्या की गई। ये पहली घटना देश के अंदर है जो ऐसी हुई है, छोटे से बच्चे की हत्या करना, ये पहली घटना अपने देश। और अभी शिक्षा उसमें जहाँ तुम सरस्वती को अपना पूजन करते हो वो क्षेत्र में वो बच्चे की हत्या हो रही है, तो ये जातिवाद नहीं तो क्या है? और जातिवाद को ऊपर के भी लोग सपोर्ट कर रहे, मेरा खुला आरोप है। क्या मांग रहेगी आखिर आपकी? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने इस पूरे 75 आज़ादी के 75 वर्ष की अमृत महोत्सव जो मनाया है, हर घर तिरंगा के नाम से जो यहाँ पर उन्होंने घोषणा की, मैं ये कैसा कहना चाहता हूँ कि मोदी का यह हर घर तिरंगा के नाम के पीछे षड्यंत्र था कि हर घर दलितों की हत्या की जाए, ये षड्यंत्र है उनका ही, ये मेरा आरोप है उनके ऊपर में। क्योंकि ये घटना जो है 8 साल के बच्चे की, इंद्रेश की, ये सिर्फ राजस्थान की घटना नहीं, ये घटना यूपी में भी हुई है, ये घटना गुजरात में भी हुई है, ये घटना हरियाणा में भी हुई है। और यही नहीं कि यहाँ पर हमारे महिलाओं के अबरू भी यहाँ पर लूटी जाती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के आपने अभी सवाल किया था कि मोदी सरकार मोदी जी के दलितों के ऊपर में, बहुजन समाज के ऊपर जब जब भी अन्याय अत्याचार होता है तब जब भी मोदी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं दी है, आज तक नहीं दी है। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ का दलित, यहाँ का बहुजन समाज, अगर किसी की हत्या होती है, कोई मरा जाता है, कोई प्रताड़ित किया जाता है, क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो इंसान है, अगर मोदी जी अगर उनके इंसान समझते हैं और वो खुद अपने आप को इंसान समझते हैं, तो वो यहाँ के लोगों जो घटना यहाँ पे हो रही है उसका निषेध यहाँ के मोदी जी ने करना चाहिए, उनके कार्रवाई के आदेश उन्होंने देने चाहिए थे, लेकिन आज तक ऐसा देखने में नहीं आया। जब सकते जब से मोदी प्रधानमंत्री जी है तब से उन्होंने किसी भी दलित के ऊपर अन्याय हुआ कभी भी उन्होंने कार्रवाई का आदेश उन्होंने आज तक नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ 8 साल के बच्चों को क्या जानकारी हो सकती है कि वो मटके से, कौन से मटके से पानी पिया जाए और किस मटके से पानी नहीं पिया जाए, इस जान की इतना नॉलेज तो उसको भी नहीं होता है। लेकिन जिस शिक्षा संस्थान के अंदर में जो टीचर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भैया तुमको किस तरीके का इंसान बनाना है, किस तरीके का अच्छा नागरिक बनाना चाहिए, जो शिक्षक उनको पढ़ाता है और उस शिक्षक के मटके से अगर वो बच्चा पानी पीता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उस शिक्षण संस्थान के अंदर में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि वो बच्चों को मौत के घाट में उतारा जाता है? तो हमको हरा ये आरोप है कि जिस तरीके से उस इंद्रेश की हत्या की गई है, जिस तरीके यूपी में बालक की हत्या की गई है, तमाम आरोपों के पीछे यहाँ की जातिवादी शक्तियों का हाथ है, और उसमें ये तमाम जितने भी मोदी सरकार के नुमाइंदे जो लोग हैं इनका उनको सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो इंग्रेज के हत्यारों को बचाने के लिए उनके समर्थन के अंदर में मोर्चे नहीं निकाले जाते वहाँ पर,
ये बात भी हमें सोचने वाली, मजबूर करने वाली बात है। एक बच्चे की हत्या की जाती है और उसके समर्थन में मोर्चे निकाले जाते हैं शिक्षक के। कैसा शिक्षक, कैसे लोग, कैसी किस तरीके की मानसिकता ही है इस देश के अंदर में। और हम यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज हम ये बोलते हैं कि हमारा देश आज़ाद होकर उसको 75 साल हो चुके हैं, किस प्रकार की आज़ादी है यहाँ के लोगों को। हम मटके से पानी नहीं पी सकते, हम किसी के घर के सामने से जा नहीं सकते, हम किसी को छू नहीं सकते। ये इस तरीके की आज़ादी इस देश के अंदर में, इस तरीके की आज़ादी को हम नकारते हैं। ये आज़ादी झूठी है, जैसे अन्ना भाऊ साठे ने बोला था, ये आज़ादी झूठी है, इस देश की जनता भूखी है। आज भी वो स्थिति आज इस देश के अंदर में कायम है। इस देश के इसमें जातिवादी है, इस देश में जातिवाद की सरकार है। जब तक इनकी सरकार यहाँ पर जिंदा रहेगी, तब तक ये अन्याय हमारे लोगों पर होता रहेगा। और यहाँ से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे हमारे ऊपर दलितों के ऊपर में, चाहे बहुजन समाज के ऊपर में आंदोलन हो, तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर इन शक्तियों, जातिवादी शक्तियों के खिलाफ में हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज अगर ये उच्च वर्णियों के लोगों का होता, ब्राह्मण का अगर लड़का होता, तो पूरे देश के अंदर में आग लगती, हमारे जैसे लोग उनका निषेध करने के लिए हम रास्ते के ऊपर में उतरते। लेकिन हमारे लोगों के ऊपर जब अन्याय होता है, तब जिनके लिए हम लोग मदद के लिए उतरते हैं, जिनके ऊपर अन्याय होता है, उनके समर्थन के हम लोग सामने आते हैं, आज वो तमाम जातिवादी लोग एक भी उस इंद्रिस के समर्थन के अंदर में सामने नहीं आता है। ये इससे बड़ी शोकांति का और क्या हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि उसके हत्यारों को फांसी मिले, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले और उनको पूरा प्रोटेक्शन मिले, और हत्यारों को किसी प्रकार की कोई रियायत, कोई छूट नहीं देनी चाहिए। जिस तरीके से गुजरात में जो बलात्कारी थे, 11 बलात्कारी जिनको छोड़ा गया, उस तरीके से इनके भी आरोपी को किसी को षड्यंत्र के मार्फत इनको किसी प्रकार के इसको रियायत न देते हुए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, इनकी छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से मैं ये आह्वान करता हूँ, और ये आह्वान करता हूँ कि चाहे घटना कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन इससे पूरा देश जल रहा है। लेकिन घटना छोटी या बड़ी हो, हम तमाम लोगों को एकजुट होकर इसके खिलाफ में हमको आंदोलन करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और एक होकर हम सबको इसके खिलाफ में हमको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं हमको उनको न्याय दे पाएगी। इस निर्मम हत्या के बाद यहाँ पर मांग हो रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाए, उन्हें फांसी की जो शिक्षा है वो दी जाए। इस मांग के साथ यही अपेक्षा करते हैं कि भारतवर्ष से जातीयवादी इन घटनाओं का खात्मा हो। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। एक असे ठिकाण जिथे आहे विनम्रता, विश्वासार्हता आणि आपलेपणा, चोख सोने आणि चांदीचे दागिने मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, एम ढोमणे ज्वेलर्स। खास शुभविवाहासाठी आपल्या सौंदर्याला साजेशा सोने चांदीच्या अलंकारांचे विशेष कलेक्शन, राणी हार, शाही हार, मंगळसूत्र, पाटल्या, बांगड्या, कर्णफुले, वेडिंग रिंग आणि ठुशीच्या असंख्य व्हेरायटी उपलब्ध। आमच्या शोरूमला भेट देऊन आजच निवडा तुमच्या आवडीचे दागिने आणि करा वाटचाल समृद्ध भविष्याकडे। आमचा पत्ता 47C हिमालया एक्सेलेन्स पोलीस चौकीजवळ, प्रतापनगर चौक, नागपूर। संपर्क करा 9423412458 किंवा 0712229018।